हमारा देश भले ही 21वीं सदी में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कर रहा हो, राजनीतिक दल चुनाव के दौरान तमाम वादे करते नजर आते हैं, लेकिन बात बलिया के इस गांव की करें तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि शासन और सत्ता सिर्फ सपने दिखाने का काम करते हैं। दरअसल मामला रेवती क्षेत्र का है, जहाँ छोटी छोटी पुरानी पुलिया एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ने का काम करती है, तब जाकर 21वीं सदी में इन गाँव के घरों में रोटी पकती है। मामला रेवती से पचरुखिया मार्ग पर बड़ी पुलिया पिरोटा, रेवती से दूसरा पुल पैनी का पुल, पिरोटा श्री कृष्ण के घर के पास से निकलने वाली पुलिया और पिरोटा से छेड़ी रेवती मार्ग का टूटा पुलिया छेड़ी के हालात इतने खराब हैं जिसका नज़ारा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय पीड़ित ग्रामीणों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं पंडित राजू तिवारी ग्राम सभा दिघार कराने वाला हूँ जी। आप दिघार से आ रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? हमारी लड़की का आज परीक्षा था गोपाल जी महाविद्यालय में रेवती जी, जो कि अमरनाथ पीजी कॉलेज से सेंटर आया हुआ है। इसमें तमाम लड़कियों का सेंटर जो दिघार के हैं उनको आना जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है जी। तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना होगा आने जाने में? हमको तो इसके चलते हमारा ड्राइवर यहाँ से आया नहीं, मैं खुद बलिया से चल के आया अपने गाँव, गांव से वैसे घूम के यहाँ दया छपरा होकर फिर आया, फिर वहाँ जाके बच्चों को छोड़ा स्कूल पे जी। तो कितनी दिक्कतें आपको सामना करनी पड़ती है? क्या तमाम तरह की दिक्कतें की सामना करनी पड़ी कि अब यहाँ जाम जोखिम में डाल के इसके बाद इस नाव पे बैठ के और खाने के लिए उस पर जाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।